हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, उसको हम लोग SLD के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पिछले किसी कंपनी में आप काम कर चुके हैं, तो इंटरव्यूअर ये आपसे जरूर सवाल करेगा कि आप अपने जो कंपनी छोड़ के आए उसका मुझे SLD बना कर दीजिए। तो ये हर वो इलेक्ट्रिकल से जुड़े इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि SLD क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो SLD का फुल फॉर्म है सिंगल लाइन डायग्राम। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं और सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी आता है तो वो हमारा सप्लाई क्या होता है, इनकमर होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी इनकमर सप्लाई आ गए। अब यहीं से जो हम लोग, ये हमारी इनकमर है, ठीक है दोस्तों। अब यहीं से जो हमारी निकलती है वो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक स्विच लगा देंगे। ये जो हमारा स्विच होता है दोस्तों, ये हमारा होता है जियो स्विच। ये जियो स्विच का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है गैंग ऑपरेटिंग, ठीक है दोस्तों। गैंग ऑपरेटिंग ये हमारा होता है, इसको हम लोग ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या तो आप जियो स्विच लगाओ या ऑसिलेटर लगाओ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जो हमारा निकलता है ना दोस्तों, वहां पे हम लोग एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाता है LA, लाइटनिंग अरेस्टर। ये किस लिए लगाते हैं दोस्तों, जो भी हमारी जो बिजली होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे एक बॉक्स बना के उसमें ऐसे एक सिंबल बना देंगे, तो ये भी हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का ही सिंबल है, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो ऐसे छतरी वाला डंडा आप बना देंगे तो ये भी हमारा लाइटनिंग है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हम लोग ये लाइन को और लंबी करेंगे दोस्तों। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी वायर के ऊपर ऐसे गोल 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 वाइंडिंग बना देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको ऐसे लिख के ये लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ये हमारा होता है सीटी कॉइल। ये सीटी कॉइल क्यों हम लोग लगाते हैं दोस्तों, जो हमारी ये जो इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है ये उसको इंडिकेट करके हमारा एमीटर में बता देता है। ये सीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा होता है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक हमारा लगा रहता है क्या, वो हमारा लगा रहता है PT कॉइल। तो आप ऐसे बना के वाइंडिंग बना के इसको ग्राउंड कर दीजिएगा, फिर ऐसे दो लाइन मार के फिर आप ऐसा एक कॉइल बना के फिर ऐसा V बना दीजिएगा और ये हो जाता है हमारा, ये हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा होता है PT। ये PT का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग को क्या मेजर करता है, ये हम लोग को वोल्टेज मेजर करता है। उसके बाद से लाइन थोड़ी लंबी कर दीजिए, उसके बाद से आप क्या लगा दीजिए, एक जो आपके इंडस्ट्री में क्या लगा हुआ था वो लगाइए, हमारे में तो VCV लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये VCV लगा था, आपके इंडस्ट्री में अगर OCV लगा हो तो OCV लिखिए, ACV लगा हो तो ACV लिखिए। हमारे जो मैं जिधर काम करता हूँ उधर हमारा VCV लगा हुआ है। VCV का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों। ये सर्किट ब्रेकर जो है दोस्तों, इसको या तो आप ऐसे बॉक्स बना कर इंडिकेट करिए या तो ऐसे दो लाइन ऐसे दो बूंदा बना दीजिए और ऐसे स्माइल का सिंबल बना दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दोनों सर्किट ब्रेकर का ही सिंबल है। उसके बाद से जो दोस्तों हमारा क्या लगा हुआ है, तो वो हमारा लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो जो भी हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग जो भी ट्रांसफार्मर से जो हमारा आउटगोइंग निकलेगा वो स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर रहेगा। तो ट्रांसफार्मर का दो तरह का सिंबल होता है दोस्तों, SLD में जो हम लोग यूज करते हैं वो दो टाइप के सिंबल यूज करते हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि ऐसा भी हमारा सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो हमारा ये जो होता है ये भी हमारा एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल, तो हम लोग ये वाला सिंबल लेके चलेंगे दोस्तों। आप लोग को जो भी अच्छा रहेगा वो लेके आप चलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा है ये हम लोग डेल्टा है और ये स्टार है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाता है स्टेप डाउन,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, ये डेल्टा और स्टार क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी सप्लाई आ रही है वो थ्री फेज सप्लाई है विदाउट न्यूट्रल, और जो हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम लोग वाइंडिंग किए हुए हैं जो आउटगोइंग के लिए, वो हम लोग ने स्टार में किया हुआ है क्योंकि हम लोग को न्यूट्रल की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद से हमारा लगा होता है एसीबी। ठीक है दोस्तों, एसीबी का मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, आप लोग के उधर कोई अगर अलग लगा होगा तो वो आप लोग मेंशन करिएगा, हमारे उधर एसीबी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमारा लोड कहाँ चला जाता है दोस्तों, समझिए आप, कैपेसिटर बैंक है, फिर एमसीसी पैनल है, फिर हमारा पीसीसी पैनल है, या तो हमारा पीडीबी है या तो हमारा एलडीबी है, ऐसे जितने भी डीबी होएगी ना दोस्तों उसको फीड कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ने देख लिया कि हमारा एसएलडी कितना आसान होता है दोस्तों, या हमारा एसएलडी ड्रॉ करना। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि हमारी जो इंडस्ट्री में है हमारा वो सप्लाई कैसे हम लोग एसएलडी के थ्रू इंडिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने सीख लिया और देख लिया, तो आप लोग ऐसे एसएलडी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एसएलडी में हम लोग क्या लगाए, इधर हमारा जियो स्विच है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से जो जियो स्विच निकलता है आप आइसोलेटर भी लगा सकते हैं, तो हमने तो जियो स्विच, हमारे इंडस्ट्री में जियो स्विच लगा हुआ था तो जियो स्विच लगाए। उसके बाद से जो ये हमारा उल्टा जो छतरी का है, ये जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है, ये हमको सर्किट को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों बिजली से। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने सीटी लगाया हुआ है, सीटी क्यों लगाया हुआ है, ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये उसको मेजर करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोगों ने पीटी लगाया हुआ है, ये क्या मेजर करता है दोस्तों कि ये हमारी जो ये सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है ये उसको मेजर करता है। उसके बाद से हमारा लगा हुआ है वीसीबी क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमारा लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसके बाद क्या लगा हुआ है दोस्तों, वो हमारा लगा हुआ है एसीबी। एसीबी क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है एयर सर्किट ब्रेकर। ये दोनों हमारा वीसीबी और एसीबी दोनों ब्रेकर ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से जो हमारा फीड किसको करता है दोस्तों, उसके बाद से हमारे इंडस्ट्री में जितनी भी पैनल होती है, जैसे कैपेसिटर बैंक का पैनल हो गया, एमसीसीपी पैनल हो गया, पीसीसी पैनल हो गया, पीडीबी हो गया, एलडीबी हो गया, ऐसे और सारे भी डीबी होंगे आपके इंडस्ट्री में, तो आप लोग उसको इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस छोटे से वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे दोस्तों। अगर आप कुछ सीखे हैं तो मुझे लाइक करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।